हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलजिंदर सिंह, योर मैथ टीचर। हाउ आर यू बेटा? होप यू ऑल आर फाइन। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डन एक्सरसाइज 7.3। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 7.4। नाउ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सम फॉर्मूला स्पेशल केसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x upon a plus c। next beta, integration of dx over root of x square minus a square is equal to 1 by 2a log of x minus a upon x plus a mod plus c। next beta, dx over a square minus x square is equal to 1 by 2a log of x plus a upon x minus a plus c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सी। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू log of x plus root of x square minus a square plus c। last integration dx over a square plus x square or x square plus a square is equal to tan inverse x by a bar beta 1 by a plus c। क्लियर बेटा? ये 6 फॉर्मूला बेटा आपने याद करने हैं, इसी बेस पे बेटा क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 के फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो रैंडमली बेटा कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई करवा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x रेज्ड टू पावर 6 प्लस 1 dx। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x रेज्ड टू पावर 6 प्लस 1। नाउ बेटा, आई हैव पुट x रेज्ड टू पावर 6 x क्यूब इज इक्वल टू u, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब बेटा 3x स्क्वायर वो मेरे पास है, तो मैं पुट कर रहा हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू। 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। पुट हियर वी गेट डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज बेटा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। नीचे बेटा x रेस्ट पावर 6, x क्यूब इज इक्वल टू यू, दिस इंप्लाइज x रेस्ट पावर 6 विल बी x यू स्क्वायर। तो वी नो दैट u square plus 1, 1 upon u square plus 1 is equal to tan inverse u plus c। Now beta, return the value of u, we get tan inverse x cube plus c। Answer clear beta? काफी easy है, just आपने put करना है वो formula है बेटा जो आपके पास, उन्हीं में से कोई formula बेटा apply हो जाएगा और आपका answer आ जाएगा ना। चलो एक question और try करते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। वी कैन राइट 1 अपॉन 1 प्लस 2 एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। बेटा 4 एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 एक्स होल स्क्वायर। नाउ पुट 2 एक्स इज इक्वल टू यू, डेरिवेटिव वी गेट बाई डेरिवेटिव वी गेट 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई 2। पुट हियर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। क्लियर बेटा? वी गेट tan इनवर्स u प्लस c। अगेन बेटा रिटर्न द वैल्यू ऑफ u, वी गेट tan इनवर्स 2x
प्लस सी। तो ये बेटा डी एक्स भी यहाँ पे मैं 1/2 लगाना भूल गया, 1/2 1/2 क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5 dx बेटा 1/4। तो 10th क्लास में मैं सीख चुका हूँ बेटा ऐसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं कंप्लीट स्क्वायर ही करूँगा। तो 9 बेटा कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x² + 2/3x + 5/9 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2/3x प्लस। तो बेटा x का कोफिशेंट क्या है 2/3। तो 2/3 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 1/3। 1/3 का स्केयर ऐड करूँगा, 1/3 का स्केयर ही माइनस करूँगा। ऐसे सीखा होगा बेटा ना 10th क्लास में आपने, वही कंसेप्ट यूज किया। तो ये किसका होल स्केयर बना बेटा 1/9 एज इट इज, ऊपर बेटा dx, नीचे क्या आया बेटा आपके पास x + 1/3 होल स्केयर, क्लियर बेटा, -1/9 + 5/9। तो ये क्या है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1/3 होल स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 4/9, क्लियर। वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1/3 होल स्क्वायर + 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा x² + a² तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास tan इनवर्स की फॉर्म में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/a की जगह पे बेटा 2/3 बन के ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स x + 1/3 / a मीन्स 2/3 + c। तो फाइनल आंसर बेटा 3/2 tan इनवर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद बाहर बेटा 1/9 था, 1/9 वो मैं भूल गया लगाना, 1/9 इसको सॉल्व करोगे बेटा 1/6 और इसको सॉल्व करोगे बेटा 3x + 1/3 / 2/3 + c। 3 से 3 बेटा कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 + c। ये बेटा आपका फाइनल आंसर, क्लियर। तो जस्ट बेटा आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है क्वाड्रेटिक है तो जस्ट सीधे बेटा किसी को पुट करोगे आपके पास इसकी जो 6 फॉर्मूला की है बेटा उसमें से कोई ना कोई टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.5 बेटा 7.4 ट्राई करनी है NCERT बुक में से। कल बेटा इसके डाउट करेंगे जूम सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।